सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जिला पंचायत सदस्य मालती वर्मा के घर लाखों की चोरी से क्षेत्र भर में फैली दहशत। महोबा में जिला पंचायत सदस्य मालती वर्मा के घर रात के अंधेरे में चोरों ने बोला धावा, सोने चांदी के आभूषणों सहित 32,000 रुपए की नकदी ले उड़े चोर। चोरी की इस जघन्य वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल। पनवाड़ी विकासखंड के रूरी कला सीट से जिला पंचायत सदस्य मालती वर्मा के घर रात के अंधेरे में चोरों ने लगभग 3 लाख की चोरी पर हाथ साफ किया है, जिसमें सोने चांदी के आभूषणों सहित 32,000 रुपए की नकदी चोरों ने पार कर दी है। चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। बता दें कि कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के भाटिवरा खुर्द निवासी मुकेश वर्मा ने बताया कि मेरी पत्नी मालती वर्मा अपने निजी कार्य से दिल्ली गई हुई है और हम लोग छत पर सो रहे थे, जब मेरी माँ ने अलमारी का लॉक टूटा देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई और आनन फानन में हमने पुलिस को सूचना दी। कहा है कि गोदरेज से सोने चांदी के आभूषण सहित 32,000 रुपए की नकदी चोरों ने पार कर दी है। मेरे घर में लगभग 3 लाख की चोरी हुई है, तो वही चोरी की इस घटना से क्षेत्र भर में भय का माहौल है तथा इससे यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कुलपहाड़ पुलिस का खौफ चोरों को तनिक भी नहीं है। कहा जा रहा है कि जब चोरों द्वारा जनप्रतिनिधियों के घरों को ही निशाना बनाया जा रहा है तो आम लोगों को कैसे कुलपहाड़ पुलिस द्वारा सुरक्षा महसूस हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो, चोरी की इस वारदात से लोगों में खौफ देखा जा रहा है। जी, क्या घटनाक्रम हुआ है पूरा? मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है, मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि महोबा। आज हुआ ये कि हम लोग ऊपर सोए हुए थे छत पर और माता जी आई 6 बजे जगाने के लिए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो हमने नीचे आकर के देखा तो सारा सामान एक बैग में बंद कर करके और रखा हुए थे। तो उसमें हुआ ये कि हमने तुरंत 112 नंबर पे फ़ोन किया तो पुलिस भी आई, तो उनने पूरी जितनी भी अपनी जांच करनी थी सो करके और बातचीत करके चले गए। आश्वासन दिया गया कि इस पे लगभग कितनी चोरी हुई है। चोरी का लगभग हमने जो आकलन किया वो लगभग 3 लाख का लगभग था। तो इसमें क्या था कि कुछ गोल्ड था, सिल्वर था और कैश था, सब मिलाकर के लगभग 3 लाख था। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।